आपका स्वागत है, मैं दिव्या शुक्ला। आइए बढ़ते हैं खास खबर की ओर। सरकारी चक मार्ग पर जबरन कब्जा करने को लेकर उप जिला अधिकारी को दिया गया शिकायत पत्र। दरअसल आपको बता दें कि शिकायतकर्ता हरी शंकर दिनेश कटारे पुत्र गोजेलाल एवं ज्वाला प्रसाद निवासी मेलोनी ने लिखित शिकायत पत्र देकर बताया है कि मेलोनी मोजा में गाटा संख्या 46 के उत्तर में लगा हुआ है सरकारी चकमार्ग, जिसका गाटा संख्या 43 है। इस पर मेलोनी निवासी एक व्यक्ति ने जेसीबी से खुदाई कर उस पर जबरन कब्जा कर लिया तथा वहां से आने जाने वाले लोगों को आए दिन दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर उपजिला अधिकारी मऊरानीपुर से सरकारी चक मार्ग को कब्जा मुक्त कराए जाने को लेकर प्रार्थी ने मांग की है। संवाददाता मुकेश राजपूत के साथ मनीष नायक की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कहाँ के निवासी है? मेलोनी। क्या मामला हो गया है आपका? मामला जी हो गया कि उधर चक रोड पर जेबीसी मशीन से खुदाई कर दी। पहले हमने जो दरखास्त दी थी वो कोई सुनवाई नहीं, चक रोड खुल जाए। किस गांव का मामला है? मेलोनी। कोई किसने जो है चक रोड को खोदा है? जंडर सिंह यादव। तो आपने प्रार्थना पत्र पहले दिया है? हाँ, पहले दिया। कोई कार्रवाई नहीं हुई? किसको दिया था प्रार्थना पत्र? एसडीएम साहब को दिया। अब क्या चाहते हैं आप? हम जो चाहते हैं खुल जाए, वो नप जाए और पूरा वो हो जाए। लोगों को व्यवस्था है गड़बड़ करने के लिए, निकलने के लिए बहुत ज़्यादा असुविधा है।